होने से पहले डिसलाइक मार देते हैं, वीडियो शुरू होने से पहले ही डिसलाइक मार देंगे। मतलब ये एकेडमी के वो हैं जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता, और केवल 100 लाइक की पूजा करने का। अब वहीं पे एक शराबी था, उस शराबी ने सोचा कि ये लोग पुजारी हैं, पूजा करते हैं, इनका बड़ा अच्छा होता है, भगवान इनकी बड़ी सुनते हैं, मैं भगवान की पूजा नहीं करूंगा, भगवान को डेली का जूता मार के आऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा डेली ये जूता मार के आऊंगा। तो डेली रूटीन चलता रहा, पुजारी जाते थे पूजा करते थे, शराबी जाता था जूता मार के आता था, पुजारी जाते थे पूजा करके आते थे, शराबी जाता था जूता मार के आता था। अब एक दिन क्या हो बच्चों, बारिश आ गई, नदी में बाढ़ आ गई, नदी में पानी बहुत उफान पे था। अब इतना ज्यादा उफान पे पानी था कि पंडित जी बेचारे गए, पंडित जी ने सोचा कि अगर आज हम पूजा करने गए तो हो सकता है हम बह जाएंगे, और जब बह जाएंगे तो जब जिंदा ही नहीं बचेंगे तो पूजा करने का लॉजिक क्या बचा, ठीक है। तो पंडित जी बाढ़ के बढ़ते हुए पानी को देख के वापस लौट गए। अब जो शराबी था भाई, वो तो जिद्दी था, उसने तो ठान रखी थी कि भगवान को जूता मारना ही मारना है। उफनते हुई नदी के अंदर, उफनते हुए पानी के अंदर भी वो शराबी जैसे तैसे डूबता डाबता निकलता निकलाता मंदिर पहुंच गया, निकाल जूता मंदिर में, जैसे ही मूर्ति को मारा भगवान जी तुरंत प्रकट, बोले बेटा मांग ले जो मांगना है। अब वो शराबी कंफ्यूज कि भगवान जी मैं तो डेली आपको जूता मारता हूं, आप मुझे कुछ क्यों दोगे। कि नहीं, असली भक्त तो तू ही है, असली भक्त तो इसलिए है क्योंकि तू डेली आया, आज नदी भी उफान पे थी, सारे काम थे, लेकिन तो फिर भी जूता मारने आया। तो उसी प्रकार जो ये प्यारे बच्चे हमारे डिसलाइक करके जाते हैं ना वीडियो को, ये सारे के सारे इस एकेडमी के परम भक्त हैं, ये अपने सारे काम छोड़ के आएंगे, वीडियो के शुरू होने से पहले डिसलाइक मार देते हैं, वीडियो शुरू होने से पहले ही डिसलाइक मार देंगे। मतलब ये एकेडमी के वो हैं जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता, और केवल 100 लाइक की दूरी है आपकी।